ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 28 जनवरी 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबल। आज के मुरली के महावाक्य, बाबा ने बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। इस इंद्र सभा के दरबार में सपूत बच्चों को ही लाना है, किसी कपूत को नहीं। आज की मुरली का प्रश्न है, 21 जन्मों की बड़े से बड़ी लॉटरी लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करते चलो। उत्तर में बाबा ने कहा, एक पारलौकिक साजन को याद करने और उसकी श्रीमत पर चलने का पूरा पुरुषार्थ करो। यदि किसी के नाम रूप में बुद्धि लटकी हुई हो तो वहां से बुद्धि योग निकालते जाओ। रात में जब फुर्सत मिलती है प्यार से बाप को याद करो, देवी गुण धारण करो, तो 21 जन्मों की लॉटरी मिल जाएगी। आज का गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। दुख तो यहाँ ही है, बाप आते हैं दुख से छुड़ाने, क्योंकि बच्चों को यह समझाया गया है कि कृष्ण यहाँ नहीं आ सकता, उसकी पुरी में दुख नहीं होता। कृष्ण की पुरी में दुख नहीं होता, दुख होता ही है कंस पुरी में, और कंस सुख की दुनिया में होता नहीं, सतयुग में नहीं होता। जब कंस होता है तब कृष्ण नहीं होता, है ना। तो बाबा कहते, दुख होता ही है कंस पुरी में, कृष्ण पुरी हुई श्रेष्ठाचारी देवताओं की पुरी। हम अभी दैवी गुण धारण करने वाले बने हैं, अगर आसुरी गुण रखते रहेंगे तो देवी संप्रदाय में अच्छा पद नहीं मिलेगा। अभी पद नहीं मिला तो कल्प कल्पांतर नहीं मिलेगा, पूरे कल्प के लिए। यही एक संगम युग पर पढ़ाई बाबा आकर के ज्ञान देते हैं, और यही पढ़ाई से फिर हम पूरे कल्प सुख या दुख जो भी प्राप्ति वो प्रसाद अनुसार होती है। यूं बाबा कहते हैं कि आधा कल्प सुख, लेकिन यही एक पढ़ाई है जो आप पूरे कल्प चलाते हैं, है ना। बाकी तो सब अल्प मात्र के लिए, अल्पकाल के लिए, क्षणभंगुर के लिए, सुख और पढ़ाई सब कुछ है ना, लेकिन यह जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं यह कल्प के लिए है। बाबा कहते हैं, अगर आसुरी गुण रखते रहेंगे तो देवी संप्रदाय में अच्छा पद नहीं मिलेगा, और अभी नहीं तो कभी नहीं। बड़ा घाटा है, वह घाटा फायदा तो एक जन्म के लिए होता है, यह तो जन्म जन्मांतर की बात है। अच्छे बुरे कर्म होते हैं ना, सतयुग में सिर्फ अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कर्म कराने वाला रावण वहां होता नहीं। यहाँ जो जैसा कर्म करेगा 21 जन्म के लिए उनको फल पाना है, या तो चलना है श्रीमत पर या तो चलना है आसुरी मत पर। बुरा काम किया गोया आसुरी मत पर चला, झट मालूम पड़ जाता है। बाबा से प्यार तो पूरा चाहिए ना, ईश्वर से प्यार नहीं तो गोया असुरों से प्यार है ना। यहाँ तुमको ईश्वर का प्यार मिला है, कहते हो ईश्वर बाबा, प्रतिज्ञा करते हैं हम एक तुमसे ही मोहब्बत रखेंगे, फिर कोई से मोहब्बत रखे तो जैसे असुरों से रखे, फिर खुद भी असुर बन जाएंगे। एक कहानी भी बताते हैं ना, इंद्र की दरबार थी, उसमें कोई परी भिखारी को साथ ले आई, वह सपूत बच्चा नहीं था, कपूत भिखारी था, तो दोनों को नीचे फेंक दिया, जो लाया उसे भी और जो था उसे भी, तो ज्ञान पूरा ना होने के कारण ऐसे ऐसे को ले आते हैं। और परियां कौन है, जो अपने आप को चैतन्य शक्ति आत्मा समझती है, कोई शरीर के साथ आसमान में फेरी उड़ नहीं सकती,
उड़ने वाली यही संगम युग की जो आत्माएं हैं, जो पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थ और बहुत अच्छी रीति देवी गुण धारण करती हैं, है ना, वही तो परियां बन उड़ती हैं और वही परियां इंद्र सभा का ज्ञान, इंद्र सभा में जो ज्ञान वर्षा करती हैं, है ना। तो इंद्र इंद्राणियां कौन है जो बाबा से ज्ञान लेकर के यह इंद्र सभा में ज्ञान फैलाती हैं। तो बाबा कहते हैं कि एक कहानी भी है कि वो दरबार में परी कोई भिखारी को साथ ले आई, तो वह जो बच्चा सपूत नहीं था तो जब फेंका नीचे तो दोनों ही गिरे, है ना। बाबा कहते ज्ञान पूरा ना होने के कारण यह सब होता है। तो जो पवित्र नहीं रह सकते हैं तो जो बीके उनको ले आते हैं वो भी श्रापित हो जाते हैं, वह तो श्रापित है ही। यह ईश्वर की ज्ञान इंद्र सभा है, ज्ञान वर्षा, वर्षाने वाला एक ही बाप है। तो यहाँ बहुत समझ कर किसको ले आना चाहिए, नहीं तो ले आने वाले भी श्रापित हो जाएंगे। हो जाते हैं, तुम रूहानी बंदे हो, तुम ले आते हो सुप्रीम रूह के पास, तो बहुत खबरदारी से ले आना चाहिए। यूं तो मिलने के लिए बहुत आते हैं, कईयों से मिलना भी पड़ता है, परंतु वह भी दिन आएगा जो कितना भी बड़ा आदमी पवित्र नहीं होगा तो सामने आ ना सके। अभी ऐसे करें तो मुश्किल हो जाए, मंजिल बहुत ऊंची है। इतने जो भी आश्रम व सत्संग हैं, कहां भी एम ऑब्जेक्ट नहीं, कुछ भी जानते नहीं कि इनसे हमको क्या लाभ होगा। यहाँ तो बड़े अक्षरों में एम ऑब्जेक्ट लिखी जाती है, मनुष्य से देवता बनना है, सिख लोग गाते हैं, मनुष्य से देवता किए देवता होते हैं सतयुग में, तो जरूर मनुष्य को देवता बनाने वाला भगवान होगा। भगवान क्या बनाते हैं, भगवान और भगवती, गॉड लॉर्ड की रचना करता है ना, गॉड गॉडेस बनाता है। परंतु हम देवी देवता कहते हैं क्योंकि भगवान एक है ना, तो देवी देवता कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म बदनवासी है, और वह भी बाबा ने एक दो बार मुरली में कहा है कि साक्षात्कार के लिए है, एक्चुअल में है कुछ भी नहीं, परम धाम और ये साकार दुनिया, एक इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड और एक कॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहां आत्माएं पाठ बचाने आती हैं इस धरा पर इस दुनिया में, और एक है निराकारी दुनिया, है ना। तो ये मनुष्यों की दुनिया है। बाबा कहते बाकी सूक्ष्म बदनवासी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, लक्ष्मी नारायण भी देवी गुण वाले मनुष्य हैं, देवी गुण वाले फिर आसुरी गुणों में जरूर आते हैं, है ना, सत्व रजो तमो में आते ही हैं। तो अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। बाबा कहते हैं मैं पतित दुनिया और पतित शरीर में आता हूँ, यह पूरे 84 जन्म लेते हैं ब्रह्मा अपनी डिनेस्टी सहित, पतितों को पावन बनाने वाला वह है। कृष्ण कैसे पतितों को पावन बनाएगा, कृष्ण उस नाम रूप से एक ही बार आएगा, उनका वह चित्र फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगा, बाकी जन्म तो भिन्न भिन्न होते हैं। यही लक्ष्मी नारायण जो अब जगत अम्बा जगत पिता हैं, इनको पता पड़ता है कि हम दूसरे जन्म में यह बनेंगे। फीचर्स जो अभी हैं वह बदल जाएंगे, अब आप जब यह देह छोड़ेंगे तो आप दोबारा जन्म लेंगे, तो आपके फीचर्स, नाम, फेम, घर बार, माता पिता सब बदली होते हैं ना, सेम घर में सेम उसमें तो नहीं आ जाते हैं आप, है ना। तो बाबा कहते सबके फिर फीचर्स जो हैं अभी वह बदल जाएंगे। तुम अभी बदन में जाकर देख सकते हो तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण के कौन से फीचर्स होंगे, तुम इस समय साक्षात्कार कर सकते हो, यह वंडर है, और किसको साक्षात्कार नहीं हो। तुम इस एक का एक्यूरेट देख सकते हो, परंतु वह फोटो यहाँ तो निकाल ना सके, यह फोटो तो यहाँ ही बनाए हैं।
तुम जानते हो भविष्य में यह बनेंगे, गुरु नानक का एक्यूरेट चित्र जो था वह 5000 वर्ष बाद होगा, यह बातें तुम ही जानते हो। ऐसे बाप के साथ योग बड़ा अच्छा चाहिए और अव्यभिचारी योग चाहिए। कोई के नाम रूप से प्रीत लगे तो व्यभिचारी हो गए। शिव बाबा की भक्ति शुरू होती है तो पहले उनको अव्यभिचारी भक्ति कही जाती है। जब हम नीचे उतरते हैं, देवी देवता पाप मार्ग में गिरकाम चिता पर बैठ सुंदर से श्याम बनते हैं, तो क्या होता है, अव्यभिचारी भक्ति होती है शुरुआत में, क्योंकि भासना होती है कि उन्होंने ही हमें देवी देवता बनाया है ना, शिव ने। तो सिर्फ शिवालय बनाए जाते हैं शुरू में, है ना। फिर बाद में ये जास्ती धर्मों का और ये ना जाने कौन कौन से पांच तत्वों का, ना जाने किन किन देवी देवताओं की पूजा होने लग जाती है ना। कहीं भी पत्थर भी जमा लेते हैं, उसको अपने कुल देवी देवता बना करके पूछने लग जाते हैं, क्योंकि इतना अपार दुख है ना। सुख का रास्ता ढूंढने के लिए बेचारे मनुष्य आत्माएं यहाँ वहां दर दर भटकते रहते हैं, लेकिन जब तक परमात्मा ना आए तो दुख से छुड़ा कोई नहीं सकता ना, भला आप कितने भी पूछ लो, है ना। तो परमात्मा कहते हैं पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति कही जाती है, शिव को ही पूछते हैं। अभी फिर एक शिव बाबा की ही याद रहनी चाहिए। बाप कहते हैं ऐसा ना हो कि अंत में तुम्हारा बुद्धि योग व्यभिचारी हो जाए, कहाँ भी नाम रूप में फंसे हुए हो तो बुद्धि को निकालते जाओ। देखिए मनुष्य आत्माओं का एक वीक पॉइंट है कि यदि वो किसी से भी कुछ उनको प्राप्ति हो जाती है तो वो उसे ही भगवान मान लेते हैं। कई कई अपने जो पतियों को ही भगवान जैसे मानते हैं, क्योंकि पति केयर करते हैं, जो चीज मांगो वो दे देते हैं, एक कहो तो दो दे देते हैं, हाँ, और जहाँ कहो जैसे कहो वैसे उठना बैठना उनका चलता है, हर एक बात पत्नी के हिसाब से मान करके चलते, तो उसमें वो भगवान देखने लग जाते हैं। ऐसे ही जो मीरा का प्रेम कृष्ण में था तो क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण को मान लिया। साईं में जिसका प्रेम है तो साईं को भगवान कहने लगे, जबकि साईं तो ऊपर की तरफ इशारा करते थे। कोई गुरु है, गुरु से कुछ आपके काम बन गए, कुछ आपको प्राप्तियां हो गई तो उसे ही भगवान रूप में देखने लगे। अब किसी के घर में कोई न्यू जन्म हुआ है बच्चे का, उसके आते ही घर में कुछ धन वैभव आना शुरू हो गया, कुछ खुशियां आ गए तो उसे ही भगवान देखने लगे। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि भगवान तो एक है, है ना। अब यही जो बाबा कहते हैं, किसी किसी का किसी एक टीचर बहन से ही सुनना होता है ज्ञान, तो वो कहीं और सुनना पसंद नहीं करते, है ना, जबकि यह ज्ञान तो परमात्मा का है। थोड़ा ऊपर नीचे समझाइश में थोड़ा 19-20 होता होगा, बाकी तो महावाक्य जो है वो तो हूबहू जो लिखे हैं वही पढ़ते हैं, है ना। अलग से तो कोई टीचर भाई या टीचर बहन पढ़ा ना सके, जो ईश्वरीय महावाक्य है वही सुनाएंगे। कई कई किसी से भी जो वैभव धन किसी कोई कोई एक ही समय जैसे परिस्थिति स्थिति है वो किसी में भी अपने आप को असेट नहीं कर पाता है, उसे जो चाहिए उसी स्थिति में वो रहना पसंद करता है। तो बाबा कहते हैं फिर ऐसे कैसे चलेगा, है ना। तो इस तरह से कहाँ भी नाम रूप में फंसे हुए हो तो बुद्धि को निकालते जाओ, है ना। माया ऐसी है जो कब कहाँ धक्का खिलाएगी, कभी मित्र संबंधी याद आएंगे, फट से योग लग जाए, यह हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं अभी तो कोई कंप्लीट नहीं बने हैं, कोई भी कर्मातीत नहीं हुआ ना। कर्मातीत बन जाए सभी तो ये दुनिया बदल जाएगी ना, दुनिया ऐसे ही थोड़ी रहेगी। और एग्जाम भी ऐसा नहीं है कि कुछ एक कर्मातीत हो गए, कुछ एक बन गए तो फिर सब एग्जाम और रिजल्ट सब इकट्ठा ही एक के उस पे आ जाएगा। जब तक सब का ना हो जाए और जब तक
एग्जाम की डेट ना आ जाए तब तक तो किसी एक को बिठाल के नहीं दे सकते ना कि उसकी पढ़ाई उसने पूरी कर ली तो उसको लिखवा दो एग्जाम, सबका एक साथ ही होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से फट से योग लग जाए ऐसा हो नहीं सकता, अभी कोई भी कंप्लीट नहीं बने हैं, ये बहुत बड़े ते बड़ी 21 जन्मों की लॉटरी है, इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। बाबा कहते इस तरह पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो मुश्किल है, याद करने का पुरुषार्थ रात में है, माया बड़ी प्रबल है, झट भुला देती है, यह भी ड्रामा में नोट है, इसलिए याद करने का बाबा कहते जो पुरुषार्थ है रात में करो, क्योंकि दिन में तो आप बिजनेस में, रिश्ते नातों में, बच्चों में, सब में कहीं ना कहीं बुद्धि भटकती रहती है, इसीलिए बाबा ने रात का टाइम मुकर्रर किया, दिन में तो फुर्सत नहीं मिलती। रात में पारलौकिक साजन को याद करो, आप बिस्तर पर जाते ही तो नींद नहीं आ जाती है ना, तो आप जाने से पहले परमात्मा के पास खड़े हो जाए, नहीं हो सकते तो चलते फिरते याद करें, और बिस्तर पे जाकर के उनसे पूरे दिन का हाल सुनाए, सुबह से शाम तक आपने अच्छा बुरा, किससे मिले, कैसे उठे बैठे, खाया बनाया, कितना याद किया, है ना, किसी को तो दुख नहीं दिया, किसी के बारे में भानो अशुभ भावना तो नहीं थी, इस तरह से उनसे सारी बातें कह करके याद करो। यही तो याद करना होता है ना, मन से मन की बातें परमात्मा तक पहुंचाने का। तो साजन को याद करो, श्रीमद पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। अब जो श्रेष्ठाचारी कृष्ण हैं उनको गीता का भगवान कह दिया और श्रेष्ठ बनाने वाले को गुम कर दिया। कृष्ण के गुण और परमपिता परमात्मा के गुण वर्णन जरूर करने चाहिए तो सर्वव्यापी की बात उड़ जाए। यह है संगम युग, इनको सुहावना कल्याणकारी युग कहा जाता है। सतयुग को व कलयुग को आस्पीशियस नहीं कहेंगे, आस्पीशियस उनको कहा जाता है जो कल्याणकारी हैं। सतयुग तो है ही कल्याणकारी, तो उनके आगे अकल्याणकारी युग था तो महिमा सारी संगम युग की है। जबकि शिव बाबा का अवतरण होता है, बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूं। कल्प पूरा होता है फिर नया शुरू होता है, पुराने कल्प में कलयुग और नए कल्प में सतयुग, यह है कल्प का संगम युग। उन्होंने फिर युगे युगे कह दिया है। अच्छा, सतयुग और त्रेता का संगम, त्रेता और द्वापर का संगम, द्वापर और कलयुग का संगम, फिर कलयुग और सतयुग का संगम, तो चार संगम हो गए। तो अवतार भी चार चाहिए, फिर 24 अवतार क्यों कहते हैं? बात बुद्धि से समझने की है ना, बाबा तो हर एक अच्छी रीति से क्लियर करते हैं हर एक पॉइंट को। इवन लौकिक जीवन में जो गाने आदि बने हैं उस पर भी बाबा ने कई बार समझाया है कि गानों का अर्थ क्या है, है ना। ऐसे ही तो कोई गाने लिरिक लिख नहीं देता ना, कुछ ना कुछ उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कहानी जुड़ी हुई होती है। और बाबा कहते हैं यूं तो फिर 24 अवतार क्यों कहते हैं, है ना। यह सब बातें धारण करने की है। बाबा ने बड़ा सहज रीति से लिखवाया है कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। परम पिता कहते हैं तो जरूर दो बाप हैं। प्रदर्शनी में जब सब समझाते बहुत हैं, परंतु इतना कोई समझते नहीं है। मुरली बाबा कहते हैं एक को भी निश्चय नहीं होता, भलाएंगे मुरली सुनेंगे परंतु वह हमारा बाबा है, उनसे वर्षा लेना है, श्रीमत पर चलना है, यह बात बुद्धि में नहीं बैठती है। अब एक बात मुरली के बीच में, जो भी भाई बहन मुरली सुनते हैं तो देखिए, आप कभी अपना खुद का फोटो डालेंगे तो उसमें आपको इतने कमेंट मिलेंगे, और आप एक मुरली डालते हैं तो ना तो उसको कोई सुनना पसंद करता ना कोई कमेंट, जबकि ये तो आपके जीवन के लिए है, आपके कल्याणकारी जीवन के लिए है। फोटो देख करके उस पर कमेंट करना बहुत अच्छी बात है, उस पर भी भल कीजिए, लेकिन आपके कल्याण का
जो भी सामग्री है, चाहे वो किसी ऑडियो वीडियो में मिलती है, चाहे आपको किसी किताब में भी मिलती है, चाहे आप किसी निमित्त संपर्क संबंध में आने वाले मनुष्य आत्माओं से मिलती है, तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। उसे तो आपको ग्रहण करना ही चाहिए, है ना। भले कमेंट ना करें लेकिन सुनना चाहिए। पता तो चलता है ना कि कितने मनुष्य आत्माओं ने सुनी, किनको शौक है, है ना। सुन लिया, पढ़ लिया, बाबा ने कहा था इसीलिए मुरली मिस तो नहीं की, लेकिन उस मुरली के इतने 2.5 पेज की मुरली में से कोई एकाध लाइन का मनन चिंतन या लाइन याद रखना, ये भी तो पुरुषार्थ है ना। तो यही बात बाबा कहते हैं कि आएंगे, मुरली सुनेंगे, परंतु वह हमारा बाबा है, उनसे हमारा संबंध है, उनसे हमें वर्षा लेना है। हम आत्मा परमात्मा के हकदार बच्चे हैं, श्रीमत पर चलना है। यह बात बुद्धि में नहीं बैठती है। हजारों आई परंतु एक को भी निश्चय नहीं है कि हमारा वह पिता है, उनकी मत पर चलना है। पहले तो माँ बाप का मुखड़ा देखना चाहिए, परंतु निश्चय नहीं। माया बड़ी प्रबल है, इस प्रबल माया से छुड़ाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप कहते हैं सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए, अगर बदचलन होगी तो ठौर नहीं पाएंगे। यहाँ तो एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, वह है उतरती कला। गाते हैं गुरु का नाम लेते लेने से चढ़ती कला होती है, परंतु गुरु कौन सा? सतगुरु, तुम सतगुरु को जानते हो, वह है शिव बाबा जो सत्य ज्ञान देता है, और कोई सतगुरु हो ना सके। शिव बाबा है सतगुरु, सत्य बाबा, सत्य टीचर, सतगुरु। शिव बाबा को याद करने से चढ़ती कला हो जाती है, 16 कला बन जाते हैं, फिर 16 कला से उतरना है। मनुष्य कहेंगे हम तो इनसे छूटना चाहते हैं, परंतु छूटना तो होता नहीं। चढ़ती कला, उतरती कला, फिर चढ़ती कला, सतो प्रधान से सतो रजो तमो, फिर तमो से सतो रजो तमो वापस आते हैं, है ना, तमो से। तो सतो प्रधान हम कब रहते हैं? जब हमारा आत्मा, जो हमारा स्वरूप, शांति धाम में जब हम रहते हैं ना। फिर हम वापस जब जन्म लेकर के 16 कला बन करके जब हम सूर्यवंशी राजे घराने में आते हैं, तो वहां हम सतो प्रधान रहते हैं सतयुग में। 1250 वर्ष ना 8 जन्म होते, फिर 12 जन्म होते हैं त्रेता में, तब हम सतो नहीं रहते हैं, है ना। हम सूक्ष्म गति से नीचे उतरना शुरू हो जाते हैं। वहां पे बाबा कहते सतयुग नहीं कहेंगे, उसे स्वर्ग नहीं कहेंगे, त्रेता में चंद्रवंशी घराने में आ जाते हैं ना। तो उतरती कला वहीं से इस तरह से शुरू हो जाती है। तो सतो रजो तमो में आते हैं, फिर तमो प्रधान से सतो, यह चक्र लगाना है। इस चक्र में हरेक को आना है। तुम पूरे चक्र में आते हो, वह थोड़े चक्र में आते हैं। सतो रजो तमो तो होना ही है। बचपन को सतो प्रधान कहा जाता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो सतो, जवान को रजो, बूढ़े को तमो कहेंगे, है ना। क्या करते हैं बचपन को? क्यों कहते हैं सतो प्रधान? क्योंकि वहां किसी भी तरीके का पाप विकर्म, मन में किसी के प्रति बुरी भावना, द्वेष, घृणा किसी भी तरीके से नहीं होते। फिर जवान को बाबा कहते रजो कहेंगे, क्योंकि वहां पर फिर विकारों में और वो सब आ जाते हैं ना। तो और फिर मन में भी संकल्प, अच्छे भी बुरे भी, ना जाने कैसे कैसे आते। फिर बूढ़े को तमो प्रधान कहेंगे। तो अभी जो अवस्था है संसार में हरेक की, कयामत का समय, हरेक को तमो प्रधान तो सब है ही, और सब वाणी से जो पार जाने की स्थिति है, है ना, वानप्रस्थ अवस्था। तो बाबा कहते बूढ़े को तमो कहेंगे। हरे के सुख दुख का पाठ नुंधा हुआ है, यह नाटक बड़ा वंडरफुल है, जिसको कोई भी जानते नहीं। रॉयल घर के बच्चों की चलन बहुत अच्छी होती है, यहाँ तो श्रीमत पर चलना है। सभी एक रस तो चल ना सके। बाबा समझाते हैं दास दासी बने
फिर थर्ड क्लास राजा रानी बनना, इससे तो प्रजा में साहूकार बनना है। दान पुण्य कर साहूकार बन जाए, दास दासी का नाम तो ना पड़े, भल वह दास दासी बन राजाई में जाते हैं, परंतु उनसे वह सुखी जास्ते हैं। वह नाम दास दासी नहीं पड़ता, प्रजा में बहुत साहूकार बनेंगे। यहाँ रहकर अगर श्रीमत पर नहीं चले तो दास दासी बन पड़ते, यहाँ रहकर कोई कुकर्म करते हैं तो दासी के भी दासी बन पड़ते हैं। कोई तो अच्छी दासी होती है, कोई रिस्पेक्टलेस होती है, तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना चाहिए। इसलिए बाबा लिखते हैं, बच्चों का सर्टिफिकेट भेज दो। कई हैं जो अपने को मियां मिठू समझ बैठ जाते हैं, फिर रिपोर्ट कौन करे जो सावधानी मिले। बाबा का काम है समझाना, एम ऑब्जेक्ट तो पूरा है, जो चाहे पुरुषार्थ करो। विजय माला में पिरोकर दिखा, 8 की भी माला है, 108 की भी माला है, और 16108 की भी माला है। वॉइसलेस वर्ल्ड के राजा रानी थोड़े होते हैं, पीछे बहुत हो जाते हैं। यहाँ भारत के सबसे जास्ती होंगे, कितने गांव हैं, कितने राजा रानी, फिर उन्होंने कितने प्रिंस प्रिंसेस, कितने ढेर हैं, बड़ी लिस्ट निकालते हैं। महाराजा, राजा, फिर उनके कुटुंब वाले। डायरेक्टरी में मुख्य नाम डालते हैं, वहां तो एक बच्चा होता है, बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब है, फिर भी बाप कहते हैं, बेहद के बाप को याद करो जिससे वर्षा पाना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, यह है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। कोई मनुष्य ईश्वर को ना जानने के कारण स्वयं को ही ईश्वर समझ बैठे हैं। जन्म मरण में आते रहते हैं, अकाली मृत्यु भी होती रहती है, और ईश्वर भी कहलाते रहते हैं, है ना? अजीब बात। तो बाबा कहते हैं, अकाली मृत्यु भी होती है, फिर भी ईश्वर कहलाते रहते, जबकि ईश्वर तो जन्म मरण से न्यारा है ना, दुख सुख की दुनिया से न्यारा। तो तुम जानते हो, देवताएं कभी अकाली नहीं मरते हैं। जब टाइम पूरा होता है तब साक्षात्कार होता है, अब पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। बहुत समझने की बातें हैं, बस एक बाबा को ही याद करना है, और कोई के नाम रूप में धक्के नहीं खाने हैं, नहीं तो गिर पड़ेंगे। बाबा को तो अनेक प्रकार से उठाना पड़ता है, इसमें तो शिव बाबा की पद रामणी है, इनसे रीस नहीं करनी है। माया तूफान बहुत लाती है, हनुमान मिसल पक्का बनना है, जो माया रावण हिला ना सके। आदिदेव को महावीर हनुमान भी कहते हैं, नाम रख दिए हैं। बच्चों को कोई महारथी भी है, बच्चों में कोई महारथी भी है। बात प्रैक्टिकल में यहाँ की है, जिसको ज्ञान की मालिश नहीं होती है, वह जैसे मुरझाए हुए दिखाई देते हैं। ज्ञान की मालिश से लक्ष्मी नारायण को देखो, कितने रामणीक हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, कोटि कोटि धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रखो, उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है, चलन बहुत रॉयल रखनी है, और श्रीमत पर चलते रहना है। दूसरा, किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना है, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहने का पुरुषार्थ करना है, वरदान है। अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति व शुभ भावना द्वारा बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। विश्व परिवर्तक परिवर्तन के लिए सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपनी वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। बेहद की सेवा, शक्तिशाली मनसर शक्ति द्वारा, शुभ भावना और शुभकामना द्वारा होती है।
सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करो। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती हैं। तो भावना और ज्ञान, स्नेह और योग के बैलेंस द्वारा विश्व परिवर्तक बनो। आज का स्लोगन है, बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जब मन ही बाप का है तो फिर मन कैसे लगाए, प्यार कैसे करें, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योंकि सदा लवलीन है प्यार स्वरूप। मास्टर प्यार के सागर बन गए तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप हो गए। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें पर प्रकाश बढ़ता है उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। जब बाप का मन ही हो गया तो फिर मन कैसे लगाएं, प्यार कैसे करें, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योंकि सदा लवलीन है प्यार स्वरूप। मास्टर प्यार के सागर बन गए तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप प्रैक्टिकल में है ना, ऐसे नहीं कि अंदर बाहर कुछ और मन में कुछ और है। तो जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं, है ना। वो प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, दाता है, है? तो मास्टर दाता हम बच्चे, वो भगवान तो हम बच्चे मास्टर भगवान, है ना। विश्व कल्याणकारी पिता की संतान हम मास्टर विश्व कल्याणकारी, हाँ। वो सर्वशक्तिमान तो हम मास्टर सर्वशक्तिमान। शेर का बच्चा शेर होता है लेकिन बाप तो नहीं होता ना, बच्चा बच्चा ही होता है, तो हम बच्चे मास्टर, है ना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।